ये विचार करके बता चुके थे, विद्वान के अंदर मोह निमित्त कर्म त्याग नहीं हो सकता, ये दुख निमित्त कर्म त्याग भी नहीं हो सकता। इसलिए ये जो विचार चल रहा है, जो कर्मों में अधिकृत है, कर्माधिकृत होते हुए कर्म त्याग करना चाह रहे हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, तो ऐसे त्याग और संन्यास में तीव्रता का वर्णन करने के लिए आरंभ हुआ है। इसे कर्मफल त्याग एव सात्विकत्वेन गुणेन तामसत्वाद्य अपेक्षा संन्यास उच्यते। कर्मफल त्याग ही सात्विकत्व गुण को लेकर के तामसत्वादि की अपेक्षा से संन्यास शब्द से कहा जाता है। न मुख्य सर्वकर्म संन्यास, मुख्य जो सर्वकर्म संन्यास है वह यह हमारा विचार का विषय ही नहीं है। फिर सर्वकर्म संन्यास असंभव है च नहीं देवव्रता हेतु वचनात् मुख्य चेत न। सर्वकर्म संन्यास असंभव है, पूर्व पक्ष या सर्वकर्म संन्यास असंभव है च, जब यह निर्णय हो गया कि सर्वकर्म संन्यास संभव है नहीं, संन्यास के द्वारा मुख्य संन्यास है ग्रहण करेंगे, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्याद, पूर्व पक्ष का आधार क्या है और आंतरिकार समझा रहे। देखिए संन्यास शब्द के द्वारा मुख्य ही लेना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न में जो संन्यास शब्द आया था और जवाब में जो आ रहा है सब, वो मुख्य ही लेना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। क्यों? सन मुख्य से संन्यास ग्रहण गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्याद, कि गौण और मुख्य में से मुख्य में ही हमेशा वस्तु ग्रहण किया जाता है, अन्यथा तद असंभव हेतु वैर्त्या। यदि वह असंभव है फिर तो आगे जो का नहीं देवव्रत इत्यादि वचन जो हेतु वचन है वह व्यर्थ हो जाएगा। वही अर्थात अप्राप्त प्रतिषेधा अप्राप्त का प्रतिषेध रूप दोष हो जाएगा। इति शंकते, ये सिद्धांत ने कहा मुख्य संन्यास नहीं है, गौण है, गौण का त्रिविधता है, तो पूर्व पश्चिद नहीं मुख्य ही होना चाहिए, गौण ही होना चाहिए, क्योंकि आगे ग्यारहवें श्लोक में जो कहे नहीं देवव्रत इत्यादि ग्यारहवें श्लोक आने वाला है वह हेतु परक वचन है, और उस हेतु वचन के आधार पर पूर्व पक्ष कहना है इन सभी स्थलों में जो संन्यास शब्द से मुख्य संन्यास ही लेना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं न, वह हेतु वचन तो हम ही मानते हैं लेकिन विध्यर्थ नहीं है, स्तुत्यर्थत्व हेतु वचन से स्तुत्यर्थत्व। इदम हेतु वचन सर्ग संन्यास संभव साधकम कर्मफल त्याग स्तुति परत्वात्। आंध्र अवतरण में कहना है जवाब का न इदम हेतु वचनम सर्वकर्म संन्यास संभव साधकम, यह जो हेतु वचन है सर्वकर्म संन्यास की संभावना का साधक नहीं है, मैंने विद्यार्थ नहीं है, किंतु कर्मफल त्याग स्तुति प्रत्वाद जो बीच में भगवान ने चौथे श्लोक से जो दसवें श्लोक में बता रहे हैं इस कर्मफल त्याग इसी का स्तुति मत कारण करने के लिए ग्यारहवें श्लोक नहीं देवव्रता इत्यादि आया हुआ है। यथा त्यागाच्छान्तरंतरमिति, जैसे बारहवा अध्याय के बारहवें श्लोक में आया था त्यागाच्छान्तरंतरमिति कर्मफल त्याग स्तुतिरेव, कर्मफल त्याग की स्तुति थी, उसी प्रक्रिया भी समझो। यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठान अशक्तिमंतम अर्जुनम अज्ञम प्रति विधानात तथा इदमपि नहि देवव्रता शक्यमिति कर्मफल त्याग स्तुत्यर्थम वचनम, क्योंकि अनेक पक्ष जो बताया गया भगवान खुद ही दूसरे और तीसरे श्लोक में अनेक पक्षों को बता दिए त्याग का, उन अनेक पक्षों का अनुष्ठान करने में अशक्तिमंतम असमर्थ है कौन? अर्जुन। किसके मत के अनुसार जाएगा वो? किसी की भी एक मत को लेकर चलना उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि अन्य मत को लेकर उसके दिमाग में संशय रहेगा ये सही है कि वो सही है। ऐसे अर्जुन के प्रति जो कैसा अर्जुन और अज्ञम अज्ञ है वो, उसके प्रति विधानात उसके प्रति यहाँ त्रिविध प्रकार का त्याग का वर्णन संन्यास का वर्णन करते हुए सात्विक त्याग को तुम ग्रहण करो, राजस और तामस त्यागों को उपेक्षा कर दो परिहरण कर दो, इस दृष्टिकोण से विधान किया है।
इसलिए जैसे 12वें अध्याय में था वैसे यहां पर भी इदम अपि यहां पर भी विधान है। अतएव नहीं देवव्रत इत्यादि वाक्य शक्यम इत्यादि जो वाक्य है 11वें श्लोक का वह कर्मफल त्यागार्थम वचनम, कर्मफल त्याग की स्तुति के लिए ही यह वचन है। न सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नैव कुर्वन्न कार्यं नास्ति इत्यस्य पक्षस्य पुवाद। इसीलिए यहाँ सर्वकर्म संन्यास असंभव हम जो कह रहे हैं ये पारमार्थ सन्यासी की बात नहीं है, इसलिए हम पांचवें अध्याय में कहे हुए का यहाँ अपवाद नहीं कर रहे। पांचवें अध्याय में सर्वकर्म संन्यास पारमार्थिक सन्यासी के लिए वर्णन आया, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखे वशी नैव कुर्वन्न कार्य नास्ते, जो कहा नवद्वारे पुरे देवी देही नैव कुर्वन न कार्यन, ये जो बात कही गई थी वह उस पक्ष का न अपवाद है कि अनिश्चित दर्शितुम शक्य, उसका अपवाद किसी के द्वारा भी दर्शाना संभव नहीं है। अर्थात वह वास्तविक पारमार्थ संन्यास भी है, बीच में एक व्यावहारिक संन्यास भी है जो विधि के अनुसार चल रहा है वो ठीक कर रहा है, और ये जो वर्णन कर उसका जो प्रातिभाषिक संन्यास अनधिकृत है और संन्यास की ओर जाना चाह रहे जबरदस्ती, उसके लिए कह रहे हैं तुम जो कर्माधिकृत हो संन्यास के लिए अधिकृत ही नहीं हो, कर्माधिकृत हो तुम, और तुम से संन्यास ले रहे हो क्षत्रिय होकर के वैश्य होकर के शूद्र होकर के, उसको नहीं लेना चाहिए। और संन्यास ले रहा है फिर गलत कर रहा है, त्याग कर रहा है तो गलत कर रहा है। इसे तुम्हें क्या क्या करना है? ऐसे लोग जो कर्माधिकृत है संन्यास अधिकृत नहीं है, फिर भी वो संन्यास जो त्याग करना चाहते हैं जो जहां है वहीं उनका संन्यास हो सकता है। इसे बहुत सारे क्षत्रियों का वर्णन आता है ना, वो जहां थे वहीं थे फिर भी महान संन्यासी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, वो जनकादि में दृष्टांत है। वो क्यों नहीं सब छोड़ के चले गए? जब ब्रह्म ज्ञान हो गया जिस याज्ञ का वर्णन ब्रह्म ज्ञान गया उसने सब छोड़ के परिव्रजन में चला गया, वो क्यों नहीं गए? और युधिष्ठिर क्षत्रिय उम्र होने के बाद क्या किया उन्होंने, जब देखा कलयुग फैल रहा है तो राज्य छोड़ के चले गए, संन्यास नहीं ग्रहण किया, हिमालय में की ओर चल पड़े और शरीर छोड़ दिया। तो उनको जब तक जीवित है तब तक यथाशक्ति यथासंभव कर्मों को करते ही रहना चाहिए, फलाकांक्षा और आसक्ति को त्याग कर, वो सात्विक त्याग है। ऐसे सात्विक त्याग करने वाला व्यक्ति अपने स्वकर्म स्वधर्म वर्ण और आश्रमानुसारेण प्राप्त स्वधर्म रूपा स्वकर्मों को कर रहा है तो वो भी सन्यासी ही है, जहां भी हो किसी भी अवस्था में, ब्रह्मचरी हो गृहस्थ आश्रम हो वानप्रस्थ हो कहीं भी हो, तो भी वह कर्माधिकृत पुरुष स्वकर्मों को स्वधर्मों को वर्ण आश्रम शरण कर रहा है तो वो भी एक तरह से सन्यासी ही है, यदि वह फलाकांक्षा और आसक्ति को त्याग कर करता। इस प्रकार से तीन प्रकार सात्विक रासिक और तामसिक वर्णन करने जा रहे हैं जो अर्जुन के लिए विशेष रूप से अत्यंत आवश्यक था। इसे कहते हैं वो जो पारमार्थिक संन्यास है जो पांचवा अध्याय 12वें श्लोक में कहा गया था सर्वकर्म संन्यास इत्यादि, उसको कोई भी किसी प्रकार से भी बाद करके दिखाना संभव नहीं। केनचित दर्शी तुम इतिहास पक्ष से अपवाद केनचित दर्शी तुम न शक्य अन्वय कर देना, तस्मात इसलिए निचोड़िया है कर्मणि अधिकृतान प्रति एव एष संन्यास त्याग विकल्पः, इसलिए कर्म में अधिकृत पुरुषों के प्रति ही यह संन्यास रूपी त्याग, संन्यास और त्याग दो अलग नहीं है, संन्यास रूपी त्याग का त्रिविध विकल्प सात्विक रास्ता विकल्प कथन किया जा रहा है। ये तो परमार्थ दर्शन सांख्या, और जब परमार्थ दर्शी सांख्य परमार्थ संन्यासी तेषां ज्ञानिष्ठमेव सर्वकर्म संन्यास लक्षणायाम अधिकारो, उनका तो अधिकार ज्ञानिष्ठामी होने से सर्वकर्म संन्यास रूपा जो ज्ञानिष्ठामी ही उनका अधिकार होता है, नान्यत्र इति नते विकल्पाराहा, अन्यत्र कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए उनका उनको यहाँ लेकर के विकल्प करना उचित नहीं है, वे विकल्प के योग्य ही नहीं है। तथा उपपादितम अस्माभिः वेदा विनाशनम इत्यस्मिन् प्रदेशे तृतीय अध्याय आदौ च, और इस बात को पहले दो बार शास्त्रार्थ करके मैं समझा चुका हूँ। उपपादितम अस्माभिः हमारे द्वारा युक्ति से संपादित कर दिया गया है,
वेदाविनाश नित्य मित्य दूसरा अध्याय 21वें श्लोक में और तृतीय आदौ च तृतीय अध्याय के आदि में भी हमने इसको समझा दिया है। यहां भी दोबारा उठा करके समझा दिया, ऐसा तीन बार हो गया, एक तरह से 2:21 में, तीसरे का आदि में और इस 18वें। तत्रैतेषु विकल्प भेदेषु, अब इस प्रकार से अनेक लोग विभिन्न विभिन्न जो मत है उनको दिखाने के बाद संन्यास रूपी त्याग के विषय में, संन्यास और त्याग भगवान के दृष्टिकोण में एक अर्थ पर्यावाची है। एतेषु विकल्प भेदेषु, इन चार पांच प्रकार के जो विकल्प भेद बताया गया था, इनमें से निश्चय क्या है वो सुनो। निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे पुरुष व्याघ्र, हे भरत सत्तम, दो संबोधन दे रहे, हे भरत सत्तम और हे पुरुष व्याघ्र। हे भरत वंशों में जो सत्पुरुष है उनमें से भी अतिशयेन सत्तम, इसलिए सत्तम तम प्रत्यय, तम प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है ना, सत्पुरुषों में भी श्रेष्ठ सत्पुरुष हो। भरतवंशियों में सत्पुरुष भी पैदा हुए, असत्पुरुष भी पैदा हुए हैं, उनमें से सत्पुरुषों में से भी तुम अत्यंत सत्पुरुष, श्रेष्ठतम सत्पुरुष हो, इसे तुम्हें कहा हे भरत सत्तम। और पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में व्याघ्र के समान, पुरुषाणा मध्य व्याघ्र ईव व्याघ्र इति पुरुष व्याघ्र, इसे व्याघ्र को सिंह को कोई राजा बनाता नहीं है, वो स्वयं ही राजा हो जाता है। उसी प्रकार तुम पुरुषों में हो, तुम्हारी श्रेष्ठता किसी के द्वारा स्थापित करने की जरूरत नहीं है, वह स्वतः ही सिद्ध है, इसलिए हे पुरुष व्याघ्र। अतः मैं तुम्हें उस त्याग का त्रिविध प्रकार, सम्यक प्रकार जो पहले एक बार बोल चुका हूं, ये भी संप्रकीर्तिता पूर्वमेव पुरा तीसरा अध्याय 30वें श्लोक में पहले बोल चुका हूं, मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्याप चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, बोल चुके सात्विक त्याग बता चुके हैं। क्योंकि त्याग में तीन ही पॉइंट है, तीन बिंदुओं को लेकर त्याग का विचार होगा, एक फल विषयक है, दूसरा कर्म विषयक है, तीसरा कर्तृ विषयक है। और तीनों श्लोक में देखो, मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य है ना, कर्म विषयक त्याग, फिर और निराशी ही फल विषयक त्याग, और कर्तृ विषयक त्याग निर्ममो भूत्वा, निर्ममो कह दिया है ना, तीनों को लेकर के, और क्या कहा, तीनों को त्याग करके, अर्थात कर्म को, सब कर्मों को अध्यात्म बुद्धि से मुझ में त्यागना, मैंने कर्म को त्यागना नहीं, कर्म करना और कर्म करके मुझ ईश्वर अर्पण कर देना। मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, यानी केवल सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, सर्व कर्म को त्याग दो, ऐसा नहीं कर रहे, मुझ में मैंने कर्म करते हुए उन कर्मों को मेरे लिए अर्पण करना, और आशी मैंने फलाकांक्षा को त्याग दो, और ममत्व मैंने आसक्ति को भी त्याग दो, कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्याग दो। यही सात्विक त्याग है, ये कर्माधिकृत पुरुष के लिए इससे बढ़कर कोई त्याग नहीं है। ये बात तीसरे अध्याय में बोल चुका हूं, 33 में, फिर भी यहां और विस्तार पर तुम्हें समझाऊंगा। इसमें तीनों प्रकार के त्याग, फल कर्म कर्तृत्व का त्याग भी तीन प्रकार से होती है, सात्विक राजसिक और तामसिक। वहां मैं केवल सात्विक बता दिया था, और यहां राजसिक तामसिक भी बता दूंगा, जिसको परिहार करते हुए सात्विक त्याग को भी जीवन में अपना सके। निश्चयम शृणु मे तत्र, मैं मैंने मम वचनात्, मेरे वचन से त्याग के विषय में, निश्चय शृणु, निश्चय वचन को सुनो, क्योंकि ही मैंने यस्मात्, क्योंकि त्याग तीन प्रकार का होता है वह हम पूर्व में ही कह चुके हैं। संप्रकीर्तितः, ये विशिष्टा भाव रूप ही त्याग होता है, क्योंकि त्याग क्या है, फल विशिष्ट
कर्म का त्याग। हमेशा क्या होता है, विशिष्टा भाव तीन प्रकार के निर्णय लिया जाता है ना, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। फलाभाव प्रयुक्त कर्माभाव श्रेष्ठ है, विशेषण है ना फल। विशिष्ट वस्तु क्या है, विहित जितने भी हैं सकल कर्मों में फल का विधान हो रखा है ना। सकल कर्म कैसे हैं, फल विशिष्ट होते हैं। जैसे दंड विशिष्ट पुरुष, इसको विशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। दंडाभावत दंडीय भाव, पुरुषाभावत दंडीय भाव, दंड पुरुष उभयाभावत दंडीय भाव, है ना व्यवहार। उसी प्रकार फल विशिष्ट कर्म का विधि हुआ है। अब हमें त्याग करने का मतलब क्या, फलाभाव विशिष्ट त्याग हो सकती है, कर्म का त्याग हो गया, अथवा फल आकांक्षा केवल कर्म का त्याग दिया, मुड़ता है ये। फल तो चाहता है इन कर्म को त्याग दिया, मैंने विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, और फल भी कर्म भी दोनों त्याग दिया, और गया आदमी विशिष्ट उभयाभाव विशिष्ट प्रयुक्त अभाव। पहला वाला श्रेष्ठ है फलाभाव प्रयुक्त कर्म को त्यागना। इसे तीन प्रकार से हो सकता है, विशिष्टाभाव और त्याग, विशेषणाव विशेष और उभयाभाव को लेकर के उसी आधार पर तीन प्रकार के सत्व रज और तम शब्दों से कहा जाएगा। निश्चय श्रृणु अवधार्य, सुनो मने बिल्कुल निश्चय कर लो, एकाग्र मन वाला होकर के सुन करके निश्चय कर लेना। कैसे निश्चय कर लो, अपने आप कहते नहीं मैं मम वचना, अध्यार कर लेना वचना, मेरे वचनों से तुम यह बात का निश्चय कर लो। एकाग्र चित्त वाला होकर सुन करके यह बात को मन में गांठ बांध लेना, निश्चय कर लेना मेरे वचनों से। किस विषय में, तत्र तत्र त्यागे, त्याग संन्यास विकल्पे, त्याग रूपी संन्यास में के विषय में जो विभिन्न ज्ञानी विद्वान लोगों ने विकल्प खड़ा किया है, इसका अर्थ त्याग इसका अर्थ संन्यास करके उसके संदर्भ में मैं जो वचन कहूंगा वह सुन करके निर्णय कर लो। जो कि वो विकल्प कैसे है, यथादर्शित है, दूसरे और तीसरे श्लोक में हम स्पष्ट बता चुके हैं। हे भरत भरदानाम साधुतमा, भरतों में भरत वंशियों में जो साधु पुरुषों में भी अतिशयन साधु पुरुष हो तुम, ऐसे कह दिया। अब देखो साधु तम कह दिया ना, साधु से प्रयोग कर दिया, अर्जुन के लिए ग्रस्त कर दिया कि जो सत्कर्म करे वो साधु है। सद्भावे साधु भावे च, कह ना जो सत्कर्म कर रहा है उसको साधु कह देंगे। इसे साधु तम त्यागो ही, त्याग संन्यास शब्द वाच्य ही, त्याग का मतलब त्याग का पर्यायवाच्य संन्यास शब्द वाच्य ही, यो अर्थ स एक एव, जो अर्थ है वह एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। इत्यभिप्रत्याह, इसी अभिप्राय को मन में रखते हुए भगवान कहते त्यागो ही। इसे भगवान कहीं त्याग और संन्यास दो अलग अलग शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग लक्षण आप पकड़ लोगे। इसे सर्वत्र या तो त्याग शब्द प्रयोग करना है या तो संन्यास, संन्यास तीन शब्द है, तीन अक्षर है ना उसमें, उसके विषय लागव क्या है, त्या और ग दो अक्षर वाला। इसे दो अक्षर और त्याग शब्द को सर्वत्र प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि त्याग और संन्यास में तो कोई अंतर नहीं है, पर्यायवाची है। तो इसे जान बुझकर भगवान यहां सर्वत्र त्याग शब्द से कहेंगे। हे पुरुष व्याघ्र त्रिविध त्रिप्रकार तामस आदि प्रकार ही संप्रकीर्ति, तीन प्रकार है। अभी यहाँ विचित्रता है, देखिए पूर्व आपने देखा सत्रवा अध्याय में जो त्रिविधता बताई गई, पहले क्या बताते थे, सात्विक को, फिर राजस को, फिर तामस को। यहाँ त्याग के मामला जहाँ आया ठीक उल्टे क्रम से चलेंगे, पहले तामस त्याग बताएंगे, फिर राजस, अंत में सात्विक त्याग बताएंगे। इसी बात को मन में रखे हैं, ध्यान में है भगवान भाष्यकार को, इसलिए करे तामसादि प्रकार ही संप्रकृति, सात्विकादि प्रकार ही बोल रहे, तामसादि प्रकार ही संप्रकृति, शास्त्र सम्यक कथित, जो अनेक शास्त्रों में कहा हुआ है और यहाँ पूर्व में संकेत किया हुआ था संक्षेप में, उसको विस्तार में अलग अलग सुन लो। यस्मात, क्यों अब सब क्यों बोलने जा रहे हैं, मेरे को चरुतरी बोल दो ना, सात्विक संन्यास सात्विक त्याग खत, यस्मात तामसादि वेदन त्याग संन्यास शब्द वाच्य और तो अधिकृत से कर्मिणो अनात्मक से त्रिविध संभवती न परमार्थ दर्शनीति, यम अर्थो दुर्ज्ञान तस्मात् अत्र
तत्व नान्यो वक्तुम समर्थः। जिसलिए तामसादि वेद के द्वारा त्याग और संन्यास शब्द वाच्य अर्थ अधिकृतस्य कर्मिणो, अधिकृत कर्मी जो अनात्मज्ञ के अंदर, यह अर्थ त्रिविध संभवति तीनों प्रकार का हो सकता है, न परमार्थ दर्शन, परमार्थ दर्शी में यह सब संभव ही नहीं है। यह जो अर्थ है दुर्ज्ञान, बहुत कठिन है समझना और निश्चय कर लेना। इसीलिए अत्र यहां पर उस बात का रहस्य को तत्व नान्य व्यक्तुम सर्वदा, मेरे अलावा दूसरा कथन करने में समर्थ नहीं है, इसे मैं कह रहा हूं और तुम सुनो, ऐसे भगवान कहते हैं। तस्मात् निश्चयम् परमार्थ शास्त्रार्थ विषयम् अध्यवसायम् ऐश्वरम् वचनम् मत्तः श्रुणु। इसलिए वह निश्चय जो परमार्थ शास्त्रार्थ विषयम्, पारमार्थिक संन्यास संबंधी शास्त्र में कथन किया हुआ जो पदार्थ विषय का जो अध्यवसाय है, निश्चय है, मुझ ईश्वर के वचन से उनको सुनो। कहा पुनरसो निश्चय, एकाग्र करके अपने ध्यान आकर्षण कर लिया, ध्यान आकर्षण करके कहने लग गए क्योंकि भाई देखो क्यों को पुनरसो निश्चय क्या है, वह निश्चय को बता रहे हैं। जो अंत में जो मीमांसकों ने कहा उसका पाक्षिक ध्यानशिक स्वीकृति के साथ उन्होंने ये कहा यज्ञदान तप कर्म न त्याज्य कार्य में वत्त, उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनके और इनके कथन में बहुत अंतर है। मीमांसक क्या कहते हैं, कर्म से मोक्ष का दृष्टिकोण से कह रहा है, और हम यहाँ कर्म से मोक्ष का दृष्टिकोण से नहीं है। कर्म से अंतगण शुद्धि, अंतरण शुद्धि से ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष, ये हमारी परंपरा है। इसे आंशिक स्वीकृति ये नहीं सोचना वहां भगवान ने मीमांसक ने जो कहा उसको भगवान ने भी कह दिया, फिर मीमांसा वेदांत बराबर हो गए यहाँ, ऐसा नहीं। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तप रूपी कर्म अतः और अन्य समस्त व्यावहारिक कर्म भी जो शास्त्र अविरुद्ध व्यावहारिक कर्म होते हैं न त्याज्यम, वह त्याग करने योग्य नहीं है, कार्यमेव तत् वह करने योग्य ही है। क्यों, क्योंकि यज्ञ दानम तपश्चा मने व्यावहारिक जितने अन्य हैं जो शास्त्र अवरुद्ध होनी चाहिए, लोक व्यवहार अवरुद्ध होनी चाहिए, परंपरा के अवरुद्ध होनी चाहिए, ऐसा सकल कर्मों को विसंग्रह करना है, चकार अनुक्त कर्मों का समुच्चय करने के लिए है, क्योंकि ये सारा कर्म मनीषी नाम पावनानी इन मनुष्यों का पवित्र करने वाले हैं, मनुष्यों को पवित्र करने के साधन है। इसलिए साफ साफ वहां कहा है बृहदारण्यक उपनिषद 4:4:22 में तम एतम आत्मानं यज्ञेन दान तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति, 4:4:22 बृहदारण्यक में। वह यह जो आत्मा है ब्रह्म है उसको यज्ञ दान अनाशक यज्ञ दान तपसा अनाशकेन उपवास व्रत आदि के द्वारा ब्राह्मण लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञान के लिए अंतर्गण शुद्धि की अपेक्षा है, और अंतर्गण शुद्धि यज्ञ दान तप आदि कर्मों से ही होता है। और वे कब तक करना है, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता। आत्मनिश्चय वेदांत परिभाषा में कारिका दी थी ना चित्सुकी का, आत्मनिश्चयात, जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी, जिंदगी भर नहीं हुई तो जिंदगी भर करो फिर। ब्रह्म सूत्र में कहा इसलिए आप्रायणा तत्राप ही दृष्टम, जब तक मरेंगे नहीं तब तक करना था, ब्रह्म सूत्र 4:1। और सखल वेवं वर्तयन यावत आयुषम, छांदोग्य परिषद कहते हैं वो इस प्रकार से संपूर्ण आयु वर्तन करते हुए व्यतीत करना चाहिए, छांदोग्य 8:15:1। प्रश्नोपरिषद में भी कहा 5वें प्रश्न का पहला ही मंत्र में प्रायणांतम ओंकार अभिध्यायित,
मरण पर्यंत स्वंकार का ध्यान करते रहना चाहिए। इसलिए निर्भर है कब तक करना है कर्म, और कर्म स्वतः ही छूट जाता है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, कई बार बता चुका हूं। इसमें अमनस्कोपनिषद एक है और प्रमाण है, तो अमनस्कोपनिषद का श्लोक न कर्मा नित्यजेद योगी कर्म विस्त्यजते यसौ। कर्मों को आपने त्यागना नहीं है योगी, कर्मों को न त्यागे, किंतु कर्म के द्वारा वह योगी को त्याग दिया जाता है, स्वतः ही वे त्याग देंगे। जैसे पेड़ फल को त्यागता नहीं है, इन फल ही सम्यक पक जाए तो पेड़ को छोड़ देता है। आप कर्म को मत त्यागिए, कर्म स्वतः ही आप रूपी पेड़ को छोड़ के अलग हो जाएगा, कि संकल्प ही नहीं होगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। कर देखिए यज्ञोदानंद वैत्यदत्त त्रिविधम कर्म न त्याज्यम न त्यक्तव्यम कार्य मन करणीय तत्, क्योंकि जो है यज्ञ यज्ञ दान तप चकार के द्वारा क्या लेना है, अनुक्त का समुच्चय कर लेना, ये त्रिविध जो कर्म है न त्याज्यम त्यागने योग्य नहीं है, करणीयम एव करना ही चाहिए इनको। अकस्मात क्यों, क्योंकि यज्ञो दानम तपस्चैव पावनानि विशुद्धिकरणानि मनीषिणाम फल अनभिसंधि नाम के। देखो मनुष्य किस मनुष्य को यज्ञ दान का विशुद्ध करेंगे, जिस मनुष्य के अंदर फलाभिसंधि नहीं है, फलाकांक्षा नहीं है। ये फलाकांक्षा है तो वो कर्म जो है फल को देगा, शुद्ध थोड़े करेगा अंत कर्म। ये सब विशुद्धि के साधन तब होते हैं जब यह मनुष्य फलाकांक्षा और आसक्ति को त्याग दे। दो चीज है, आसक्ति और फलाकांक्षा, ये दो को त्याग देंगे तो स्वतः ही ये सारे कर्म अंतर्मन शुद्धि के कारण हो जाते हैं। ये तान्यपि तु इत्यादि, ये तान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। यह आके बोल दिया निश्चितम मम मतम उत्तमम मतम, मेरे पार्थ मेरा यह सर्वोत्तम मत निश्चित हो गया, समझो इन कर्मों को आपने करना है। तू इसलिए कह दिया किंतु, ये सब पावना नहीं मैं कब, किंतु एतानि कर्माणि अपि और तू दोनों प्रयोग के अपि कर तो भास्कर स्वयं व्याख्यान करने वाले हैं। तू व्यावर्तन करने के लिए उन कामी पुरुषों का और आसक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व से युक्त आसक्त पुरुषों का व्यावर्तन करने के लिए तू कह दिया, अपि कार्थ भास्कर बताएंगे। एतानि कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, इन कर्मों को संग और फल को त्याग करके ही कर्तव्यानि इति मे उत्तम मतम, मेरा यह सर्वोत्तम मत है, सर्वोत्तम निश्चित मत है, ऐसा समझो। यदि भी बात पहले कर चुके हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसे फल त्याग करना चाहिए। मा संगो अस्तु कह दिया अंत में, संग को भी त्यागना चाहिए कह दिया है। दोनों बातें फिर दोबारा कह दिया, दूसरे अध्याय में आया हुआ है उसको यहाँ फिर छठे या अंत में उपसंहार में भी लाया गया। इसलिए युधिष्ठिर इस चीज को जानते थे, सात्विक त्याग करता हुआ उन्होंने यज्ञ किया। जब कृष्ण ने कहा यज्ञ करो, युद्ध हो गया, सब हो गया, राजा हो गए हो, अब करो अश्वमेध यज्ञ करो, राजसूय करो, कुछ करो, तब उसने यक्ष विभूतिर भवति इति मत्वा, भागवत में आया 10:7:3 दसवें स्कंद सातवां अध्याय तीसरे श्लोक में साफ गाता है वो, मैं याग करूंगा लेकिन यह मान करके आपकी विभूति है समझ करके, किसी फल के आकांक्षा से नहीं, यह मेरे से सामर्थ्य असामर्थ्य जो भी कर्तव्य भक्तृत्वादि को लेकर नहीं, क्या आपकी विभूति है ये समझ कर मैं याग करूंगा। यज्ञ वे विष्णु सुना है इसीलिए करूंगा, कर्तव्य समझ कर दूंगा। भाष्यम एताने भी तो कर्माणि, कौन से कर्म, यज्ञ दान तपांसी पावनानि उक्तानि, जो पवित्र करने वाले ऐसे कह दिए गए थे, वे वास्तव में तब पवित्र करते हैं जब आप संगम आसक्तिम तेषु त्यक्त्वा, उनमें आसक्ति को त्याग करके करके जाओ।
केवल आसक्ति को त्याग से भी नहीं होता, फलानि च तेषां त्यक्त्वा, और उनके फलों को भी त्याग करके, प्रत्यज्य कर्तव्यानि मन अनुष्ठियानि इति मे मम निश्चितम मतम उत्तमम, यही मेरा ऐसे अनुष्ठान करना चाहिए, यही मेरा सर्वोत्तम निश्चित मत है। निश्चय शुणु मे तत्र इति प्रतिज्ञाय पावनत्वञ्च सहेतुकम् उक्त्वा एतान्यपि च कर्माणि कर्तव्यानि इत्येतत् निश्चितं मतमतम् इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव नापूर्वार्थं वचनम्। एतान्यपि इति प्रकृत सन्निकृष्टार्थतोपपत्तेः, क्योंकि कोई कह सकता है एतानि कर्माणि, ये जो कहा निश्चित मतमतम श्रवण में तत्र भावे क्या, तो ये क्या फर्क है इन दोनों में, कहते वास्तव में कोई फर्क नहीं है, वो उपक्रम था ये उपसंहार है। चौथा श्लोक उपक्रम था, छठा श्लोक उपसंहार है। निश्चय श्रवण में तत्र से प्रतिज्ञा किया गया था, प्रतिज्ञा करने के बाद अपने निश्चय के बारे में बताते हुए पांचवे श्लोक के पावनत्व, वह भी सहेतु का मुक्त्वा उन कर्मों में पावनत्व रूपी हेतु के साथ कथन करके, एतानि भी कर्माणि श्लोक में कर्तव्यानि जो कहा गया निश्चित मतमतम करके, वो प्रतिज्ञात अर्थ का ही उपसंहार है, न अपूर्वार्थ वचन, या कोई अपूर्व विधि किया जा रहा है ऐसे मत समझो। क्यों, एक कैसा निर्णय ले लिया, कति एतान्य पे कति ना, ये तो शब्द प्रयोग हो गया, ऐसे व्याकरण में आया ना चारों शब्दों का अर्थ, इदम एतद अदस और तत्, वह एतद शब्द गाने से ज्ञापन हो रहा है प्रकृत जो सन्निकृष्ट है उस अर्थ को ही कथन कर रहा है, सन्निकृष्ट अर्थ में ही एतद शब्द होता है। इसे एतान्यपि इति, एतान्यपि शब्दावली प्रयोग हुआ, इससे ज्ञापन होता है कि वास्तव में निश्चित रूपेण यहां जो है व्याकरण दृष्टिया से भी प्रकृत का ही उपसंहार किया जा रहा है, चौथे श्लोक में जो कहा गया था उसी की उपसंहार करके समाप्त कर रहे हैं। सासंगस्य फलार्थिनो बंध हेतवा एतान्यपि कर्माणि मोक्षो कर्तव्यनिति अपिशब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य एतान्यपि इति उच्यते। जो यहाँ अपि का अर्थ बताने जा रहे हैं, अपि शब्द क्यों बोला गया, एतानि अपि कहते सासंगस्य फलार्थिनो, आसक्ति से युक्त और फलाकांक्षा से युक्त जो कर्म है बंध हेतव, बंधन के कारण है, कौन, यही सारे कर्म, यज्ञ दान तप, जब आसक्ति और फलाकांक्षा से युक्त होकर करोगे तो बंध के कारण होते हैं। अभी ऐसा होने पर भी मुक्षो हो कर्तव्यानि कर्माणि, मोक्ष के द्वारा जब यही कर्म किए जाते हैं तो वो बंधन के कारण नहीं होते हैं, इति अपिशब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्षा, इसे अन्य कर्मों को अपेक्षा करते हुए ये बात नहीं कही जा रही है, एतान्यपि अन्य कर्मों को जोड़ अपेक्षा से, एतान्यपि माने उनको भी ले लो और इनको भी, ऐसा अर्थ यहां नहीं लेना है। अन्य वर्णयन्ति, इस संदर्भ में अन्य लोग श्लोक के शब्दों को दूसरा अर्थ करते हैं, उनका कहना है या नित्य कर्म विषय नहीं है, ऐसे काम्य कर्मों को लेकर के कहा जा रहा है। पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है, काम्य कर्मों के लिए कहा, काम्य कर्म में कामना होती है, कामना का त्याग कर करो बोला है, फिर वही पूर्व पक्ष यहां पर भी दोबारा खड़ा है जो नित्य कर्मों का फल नहीं मानता। जब नित्य कर्मों का जब फल ही नहीं है या फला शक्ति को त्याग करके क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है यह श्लोक काम कर्मों को फल त्याग पूर्वक अनुष्ठान करने विधान कर रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने व्याख्या कर दिया जो कि प्रकरण विरुद्ध है, पहले भी बोल चुके हैं, दोबारा उसका और विचार करके कहते हैं। अन्य वर्णयंती नित्यानाम कर्णाम फलाभावात संगम त्यक्त फलानि चेति नोपपद्यते, नित्य कर्मों में फल का अभाव होने से संगम त्यक्त फलानि च जो कहा यह उपपन्न नहीं हो सकता। इसलिए एतान्यपि इति यानी काम्यानि कर्माणि, एतान्यपि जो कह दिया है ये जो है इसलिए कहना पड़ा जो काम्य कर्म है नित्येभ्यो अन्यानि जो नित्यों से भिन्न है उनको भी करना चाहिए, एतान्य भी कर्तव्य है उनको भी करना, माने नित्य को करना ही है, निमित्त को भी करना ही है, काम्य को भी करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करोगे काम्यों को, संगर फल को त्याग, कर्तव्यानि किमुत यज्ञ दान तप, नित्यानि जो नित्य कर्म यज्ञ दान तप है उनके बारे में तो कहना है क्या,
इस तरह से कहीं मुच्छक न्याय लगा करके इन्होंने काम कर्मों को भी जोड़ दिया। जब काम को भी करने को कह दिया तो कहने क्या, अर्थात सारे कर्मों को करना चाहिए फलासंग को त्याग करके तदसत। ऐसा जो उन लोगों की व्याख्यान है वह व्याख्यान ठीक नहीं। क्यों? नित्यान कर्मणाम फलवत्व से उपायित्वाद। अभी पूर्व में शास्त्रार्थ करके हम समझा चुके हैं नित्य कर्मों का भी फल होता है, यह बात सिद्ध कर चुके। नित्य निमित्त को कर्मों का भी फल होने के कारण से यहां प्रकरण में नित्य निमित्त कर्म को ही लेना है, काम कर्मों को नहीं लेना। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि इत्यादि वचनेन नित्यान्यपि कर्माणि बन्धहेतुत्वाशंका ज्यासोः मुक्षोः कुतः काम्येषु प्रसंगः। क्योंकि मुमुक्षु, ये उसकी चर्चा चल रहा है ना, मोक्ष इच्छा है लेकिन कर्माधिकृत है और नित्य कर्मों को भी त्यागना चाह रहा था वो, उसको कहना हम चाह रहे हैं भाई नहीं 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 इसको त्यागना नहीं तुम्हें, जब तक मोक्ष नहीं होगा नित्य निमित्त को त्यागना नहीं, प्रमाद की वजह से भी नहीं, आलस की वजह से भी नहीं, दोष वश के नहीं, क्लेश की वजह से नहीं, दुख के कारण से नहीं, किसी भी कारण से नित्य निमित्त कर्म को त्यागना नहीं, ये हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति कैसा है, मुमुक्षु है, मोक्ष चाह रहा है, कर्माधिकृत होते हुए मोक्ष चाह रहा है। वो व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, यज्ञोदान तपस्या पावन इत्यादि वचन है ना, नित्यान्य कर्माणि बंध हेतुत्व आशंकय जिहासोह मोक्ष, त्यागने की इच्छा कर रहा है, मोक्षो त्यागना चाहता है। किनको? इन नित्य कर्मों को भी, क्या मान के, ये भी बंधन के कारण है ऐसे आशंका करते, नित्य नियमित कर्मों को भी बंध हेतुत्व आशंकया, बंध के कारण ऐसे आशंका से त्यागने की इच्छा करता है मोक्षो। जब ऐसा है कुतः कामेश प्रसंग, वही तो काम कर्म को कैसे करेगा भाई, फल त्याग पूर्वक भी हो चाहे जैसा भी हो वो कर ही नहीं सकता। कुतः कामेश प्रसंग, इसलिए वो कामियों की प्रसक्ति नहीं है, पर उसका विधान कर रहे हो, फल त्याग पूर्वक करने की विधि कैसे हो सकता है, प्राप्त हो तब न माना जाए उसका विधि, अब प्राप्त की विधि कैसे करेंगे, नियम विधि नहीं हो सकती ना, प्राप्त हो पहले फल विशिष्ट काम कर्मों को करने का, तब तो आप उसमें नियमन करोगे फल त्याग पूर्वक इन काम कर्मों को करो, जब प्राप्ति नहीं, क्योंकि व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो काम कर्म करना तो स्वप्न में भी सोच नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी है जो नित्य नित्य कर्मों संध्या वंदन आदि को भी करना भारी समझ रहा है, इनको भी बंधन में काम तो नहीं हो जाएगा, ये क्या हम करीसी संकल्प करूंगा हो सकता है बंधन में फंस जाऊंगा, तो ऐसा सोच करके बंध की हेतुत्व की आशंका करके नित्य निमित्त कर्मों को भी त्यागने की इच्छा करने वाला मोक्ष व्यक्ति है, उस व्यक्ति की यहाँ चर्चा जब हो रही है तो हम कैसे कह सकते हो काम कर्मों को यहाँ लाना है, क्योंकि कुतक कामेश प्रसंग, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है, दूरे नेवरं कर्म इति च निंदितत्वात्, क्योंकि दूसरे अध्याय 49वें श्लोक में पहले बता चुके हैं ज्ञानी का प्रकरण में, 49वां है ना, 72 सब ज्ञानी का प्रकरण है, ज्ञान निष्ठा का, उसने क्या कहा था वहां पर, दूराध्यवरण कर्म, अरे काम्य कर्म जो निकृष्ट कर्म है, फल क्षुद्र फल देने वाले कर्म, ये तो बहुत दूर से ही त्याग देता है, सोचता भी नहीं, सुन भी नहीं सकता उसके बारे में, स्वप्न में भी सोच नहीं सकता, जिसे निंदितत्व यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र इति च काम्य कर्मणां बन्धहेतुत्व से निश्चितत्व। और तीसरे अध्याय 9वें श्लोक में स्पष्ट कहा है हमने, वहां काम कर्म बंधन के कारण, जो दृढ़ निश्चय है बंधन के कारण करके उनको तो करेगा कैसे, जहां बंधन के कारण की आशंका भी हो उसे त्यागना जो चाह रहा है, जहां निश्चय हो बंध की बंधन न, उसको कैसे कर सकता है वो, कहीं तक नहीं आए। इतना ही नहीं, त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन का 2:45 में, त्रैविद्या माम सो पापूत पापा 9:20 में, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति 9:21 में, इति च दूर व्यवहितत्वाच्च, दूर से ही उसको अलग करके अपने से निपटारा करता है कौन, मुमुक्षु। जब यहां भी मुमुक्षु का प्रकरण बता चुके हैं, त्यागी त्याग करने वाले की बात हो रही है, उससे भी जो प्रातिभाषिक त्यागी की बात, सन्यासी की बात हो रही है, यहां तुम कहां से काम कर्मों को घुसा रहे हो, संभव ही नहीं है,
दूर हेतुत्वाच्च न कामेशेतन पिति उपदेश। इसलिए एतान्य इत्यादि श्लोक शब्दों के द्वारा काम्यों का यहाँ फल रहित काम्यों का अनुष्ठान की उपदेश नहीं है। तस्मात फिर किसका है ये अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षु। देखो तीन शब्द प्रयोग कर दिया, किस प्रकार के मोक्ष को हम ले रहे हैं, जो अज्ञ है और कर्म में अधिकृत है। अज्ञस्य कर्मणि अधिकृतस्य मोक्ष, ऐसा समझना। अज्ञानी है, अभी अपने आप को कर्म में अधिकार मान रहा है, अपने अंदर अभी भी उसका क्या है, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं अभिमान है, और मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं, ब्रह्मचर्य आश्रम में अथवा वानप्रस्थ में अथवा गृहस्थ में अथवा संन्यास एक आश्रम मान रहा है वो, इसे अधिकृत है वो कर्म में, और लेकिन मोक्ष भी चाहता है। कहने का मतलब क्या है, ये यही हम लोगों के सनातन धर्म के शास्त्रों की महिमा है, जो जहां है वहीं से उसको मोक्ष की इच्छा करने का अधिकार है, और वहीं से उसके लिए रास्ता भी बता दिया, आप जहां हो वहीं रहो, वहीं रहकर एक काम करो तो तुम्हारे मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, मोक्ष के रास्ता खुल जाएंगे। यही विशेषता है, ये उस व्यक्ति को ले रहे हैं जो अज्ञानी होता हुआ कर्माधिकारी होता हुआ मोक्ष की इच्छा करने वाला, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये तुम ऐसा चाहते हो, जो कर्म तुम कर रहे हो वह कर्म तुम कैसे करोगे वो समझा रहे हैं। कैसे करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और कैसे करोगे तो वही कर्म तुमको और उल्टे फंसा के जाएंगे, संसार में फंसाते जाएंगे, फंसाते जाएंगे, फंसाते जाएंगे। ये सात्विक रूपेण करोगे कर्म को, सात्विक त्याग पूर्वक कर्म करोगे तो वे मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। राजस और तामस त्याग पूर्वक कर्म को करोगे तो वो नीचे की ओर ले जाएगा। यह दिखाने के लिए प्रकरण है, अतः काम्यों का प्रसंग ही नहीं हो सकता। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस् तामस परिकीर्तितः। सबसे पहले तामस त्याग का वर्णन करते हैं, जो अधिकतर लोग आजकल इसी कोटि में हैं, तामस त्याग वाले हैं। सब संप्रदाय वाले मोक्ष चाहते, जो जो संप्रदाय में आ रहे हैं महात्मा ब्रह्मचारी तो समझ गृहस्थी वगैरह सभी लोग मोक्ष को चाहते हैं, मोक्ष की ही चर्चा कर रहे हैं, कथाओं में प्रवचन में स्वयं के चिंतन में अध्ययन में अध्यापन में सब जगह सब संप्रदाय वाले। लेकिन कर क्या रहे हैं वो, जो वेदों में कहा हुआ नित्य नियमित कर्मों को त्याग दिया, कर्म ही त्याग दिया। जब वर्णाश्रम छूट गया फिर कर्म कहाँ रह गया, जब वर्णाश्रम अतीत संप्रदाय सब हो गए हैं तो वर्णाश्रम व्यवस्था ही नहीं मान रहे तो कर्म कहाँ से करेंगे, स्वतः ही वो कर्म त्याग तो इस तरह से हो ही गया है। अतः तामस त्याग वाले सब मोक्ष हैं यहाँ अधिकतर लोग संसार में। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणोपपद्यते, नियत से कर्मणा संन्यास में त्याग नोपपद्यते, नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उनका त्याग बिल्कुल युक्त नहीं है। किंतु तो मैंने किंतु मोहात्त से परित्याग, मोह के वजह से यदि उसका त्याग किया जाता है उस त्याग को तामस परिकीर्ता, तामस त्याग करके शास्त्रों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है। देखो नियत से तो नित्य से संन्यास परित्याग, नित्य कर्मों का नित्य से नियत से अर्थ कर दिया नित्य से, वो विशेषण है कर्मण का, संन्यास का अर्थ कर दिया भाष्यकार परित्याग, कर्मण नोपपद्यते ओपन नहीं है। अज्ञस्य पावनत्व शिष्टत्वात्, क्योंकि जो अज्ञ है अधिकारी है मोक्ष है उसके अंदर पवित्र होना अभी इष्ट है, उसके अंतर्गण शुद्धि अभी अपेक्षित है, इसे उनको यह कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन किंतु मोहात मन अज्ञानात तस्य नियतस्य परित्यागा, यदि अज्ञान वशात उन नित्य कर्मों को वो त्याग देता है तो उस त्याग को तामस त्याग कहा जाता है। उल्टा उल्टा तर्क देंगे ना, अरे मां हिंसा सर्व भूतानि कहा है, मैं कैसे करूंगा कोई हिंसा ही किसी प्रकार का, अच्छा मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा, ऐसे कुतर्क पूर्वक कर्मों को त्याग करके बैठता है। और जो तामस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च, कहा ना चौदह अध्याय सत्रवां श्लोक चतुर्थ सत्रवें श्लोक में कहा था, ये सब तम का कार्य है,
कौन? प्रमाद मोह तमसो भवतः। तम से पैदा होता है प्रमाद मोह और अज्ञान मेव च, ज्ञान भी उसी से पैदा होता है। इसलिए और मोह के कारण से मैंने त्याग किया ना, तमोगुण का कार्य मोह, मोह का कार्य आपने नित्य कर्मों का त्याग कर दिया, इसलिए इस नित्य कर्म त्याग को तामस संज्ञा पड़ गया, क्योंकि तमोगुण का कार्य मोहजन्य है यह तामस त्याग, क्योंकि मोह स्वयं तमोजन्य है, तमोजन्य मोह, मोहजन्य त्याग, अतएव तमोजन्य ही माना जाएगा उस त्याग को, अतः उस त्याग का नाम तामस त्याग। नियतं च अवश्यं कर्तव्यं त्यजते च, बताओ नियतं का मतलब क्या? अवश्य कर्तव्य था फिर उसको त्याग दिया। जैसे कई बार होता है बाजार जाते हैं एक काम जरूर करके लाना बोलते हैं और उसी को छोड़ के बाकी सब काम करके आ जाते हैं, क्या फायदा हुआ? जो जरूरी है वो छोड़ दिया, बाकी कर दिया तो कौन से महान हुए। इधर यहां भी हाल है, जो जरूरी कर्म करना है, संध्या वंदन करना है, पूजा पाठ करना, वो छोड़ दिया, बाकी सब दुनियादारी काम कर देगा, क्या पता। अवश्य प्रतिषिद्धम मतो मोह निमित्त, ऐसा विरुद्ध काम कर रहा है इसलिए अवश्य मोह निमित्त परित्याग है, अतएव तामस परिकृत मोहश्च तम, इसलिए इसको तामस परिकृत कहते हैं कि मोह और तम पर्यायवाच्य समझे, इधर से कि तमा का कार्य मोह है, मोह का कारण तम है, इसे कार्य कारण का भेद करता हुआ मोह से जन्य होने से तमोजन्य मानकरण का नाम तामस रख दिया गया है।